Hi everyone and welcome back to my channel Glam Label. So today's video is going to be like very experimental on this channel because it's very new concept over here where I'm gonna show you all those ideas which I generally practice while I'm taking some self-portraits. So aap bhi agar wo crazy minded ho photograph ke liye, so I think these ideas is going to help you guys a lot because abhi outer location to पॉसिबल नहीं है बट हम वो लोकेशन घर पे भी इनबिल्ड कर सकते हैं. सो यस विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सो मैं आ चुकी अपने फर्स्ट लोकेशन में इस फोटोशूट के लिए, वो है मेरा किचन. सो बट यस दिस इज अ होम एडिशन ऑफ कोर्स, सो वी हैव टू फाइंड सम जुगाड़ लोकेशन फॉर दिस फोटोशूट. सो यस द फर्स्ट प्रॉप, द फर्स्ट एग्जैक्ट लोकेशन इज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रिज. बाय द वे इस फर्स्ट लुक के लिए आई एम वेयरिंग दिस वाइट जंप सूट एंड वाइट जस्ट बिकॉज थोड़ा सा क्लासी लगे, थोड़ा रस्टिक लुक मैं एडिट करने के बाद इसमें देना चाहती हूँ. दैट्स द रीजन आई एम वेयरिंग वाइट. सो वेयर सम लाइट कलर्स इफ यू आर पोजिंग इन द सेम. Okay, so I have taken my position. मैंने ये फ्रिज का डोर खोला हुआ है ना, आई एम एक्चुअली सिटिंग एट द सेंटर. थोड़ा सा कैजुअल येट वेरी क्लासी वे में थोड़ा सा पोज करना है. एंड फॉर द प्रॉप्स आई एम यूजिंग सम ऑरेंजेस. यू कैन एक्चुअली गो फॉर मैंगोज, वाटरमेलन, मे बी टोमेटो. सो वट एवर द कलर पंच यू एक्चुअली want to give it in the picture, जो भी आपको कलर डोमिनेट करना है पिक्चर में आप वो चीज़ें ले सकते हो. तो आई वॉन्ट मेक इट लाइक टीलिश ऑरेंजिश, थोड़ा सा रस्टिक. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग ऑरेंजेस. हो सकता है मैं बाद में प्रॉप चेंज भी करूँ, सो दैट यू गोना सी इन द पिक्चर्स. सो येस सेकेंड लोकेशन इज गोइंग टू बी द शाफ्ट बालकनी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे ग्रिल्स हो, सॉरी सो जहाँ पे ग्रिल्स हो एंड अच्छा सा लाइट आ रहा हो सो दैट आई कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. उस ग्रिल्स से मेरे फेस पर कुछ अभी इंप्रेशन आ रहा होगा जो आप देख रहे हो. लाइक इट्स अ गोल्डन आवर, इट्स अ बेस्ट टाइम टू गेट सम गुड पिक्चर्स. लाइक आई कैन शो सम स्पेसिमेन लाइक समथिंग लाइक दिस. आई एम गोना टेक पिक्चर्स बट द अपोजिट वे सो दैट लाइट कैन फॉल ऑन माई फेस ऑन अ करेक्ट वे एंड इट कुड गिव दैट ग्रिल इंप्रेशन. सो लेट्स see how it gonna be. Alright, so for the third location for the today's photo shoot, we have come to our terrace. Location ki baat main karun, so I am focusing for that concept jahan pe main pictures lungi sky ke saath. So something like that, सारे pictures कुछ ऐसे scape में आएंगे. ये कुछ बहुत dented सा वो हो गया, fountain था ये पहले, so अब नहीं रहा. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना फिक्स माय फोन समवेयर हियर ऑन द स्टोन्स. ये थोड़ा सा मैंने जुगाड़ सा कुछ बना रखा है यहाँ पे, और फोन हमेशा टिल्टेड में रहेगा सो दैट टिल्टेड के वे में और फ्रंट कैमरा जो खोलूंगी तो देयर विल बी माय फेस एंड अबव देयर विल बी अ स्केप ऑफ द स्काई. सो यस दिस इज द वे आई एम एक्चुअली थिंकिंग ऑफ टेकिंग माय पिक्चर्स टुडे वेयर द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी मी विद द स्काई. सो यस final photo shoot location and that's going to be from my living room and here's the television which you can see and isme maine youtube pe chala rakha hai colorful graphic video and make sure agar aap ye sab use kar rahe ho is theme ke liye you know other sources of light are off, there isn't like no scope of light. So what I'm going to do is I'm going to lean towards my face and jitne bhi iske colors hai jo reflect ho rahe hain wo mere face pe aayenge and that's something which going to create a good mood in this picture. Is side se main ye blue screen khol rakha hai wo main yahan se flash karungi so that you can see this like blue tint coming on my face. So again that going to balance up the whole frame.
और जो लास्ट प्रॉप यूज कर रही हूँ वो है क्लियर ग्लासेस, सो दैट देयर विल बी अ बोका इफेक्ट एंड द कलर रिफ्लेक्शन इन ओवर माय ग्लास एज वेल, सो इवन दैट गोना क्रिएट मूड. आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू एक्चुअली अचीव द बेस्ट ऑफ द पिक्चर विद दिस जुगाड़. लेट्स सी हाउ इट गोना बी. Enjoy this video or any of the hack, any tutorial or any pictures if you have loved the most, just mention everything in the comment section. Subscribe my channel if you haven't yet, and if you have liked the whole concept in all, don't forget to give this video a big thumbs up, and yes, until next, stay home, stay beautiful, take care of yourself, and much love.